कद्दू के बीज के शीर्ष विज्ञान आधारित स्वास्थ्य लाभ। कद्दू के बीज छोटे हो सकते हैं, लेकिन वे मूल्यवान पोषक तत्वों से भरे होते हैं। उनमें से केवल थोड़ी मात्रा में खाने से आपको पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ फैट्स, मैग्नीशियम एंड जिंक मिल सकता है। इस वजह से कद्दू के बीज कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़े हुए हैं। इनमें बेहतर हृदय स्वास्थ्य, प्रोस्टेट स्वास्थ्य और कुछ कैंसर से सुरक्षा शामिल है। इसके अलावा इन बीजों को आसानी से अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। यहाँ कद्दू के बीज के शीर्ष स्वास्थ्य लाभ हैं, जो विज्ञान द्वारा समर्थित हैं। एक, बहुमूल्य पोषक तत्वों से भरपूर। कद्दू के बीज को पेपिटा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मैक्सिकन स्पेनिश शब्द है। नक्काशीदार कद्दू के सख्त सफेद बीजों के विपरीत सुपरमार्केट में खरीदे गए अधिकांश कद्दू के बीजों में छिलका नहीं होता है। ये खोल रहित बीज हरे, चपटे और अंडाकार होते हैं। एक आउंस 28 ग्राम बिना छिलके वाले कद्दू के बीज में लगभग 151 कैलोरी होती है, मुख्य रूप से फैट और प्रोटीन से। इसके अलावा एक आउंस 28 ग्राम सर्विंग में शामिल हैं फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के, फास्फोरस, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फैट और प्रोटीन। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पोटेशियम, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन और फोलेट की एक अच्छी मात्रा भी होती है। दो, कद्दू के बीज में कैरोटीनॉइड्स और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को कम कर सकते हैं और आपकी कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त कणों से बचा सकते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। तीन, कद्दू के बीजों से भरपूर आहार पेट, स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट और कोलन के कैंसर के कम जोखिम से जुड़े हैं। एक बड़े अवलोकन संबंधी अध्ययन में पाया गया कि उन्हें खाने से पोस्टमेनोपॉजल महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम होता है। अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि कद्दू के बीज में लिग्नास स्तन कैंसर को रोकने और उसका इलाज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगे के टेस्ट ट्यूब अध्ययनों में पाया गया कि कद्दू के बीज युक्त पूरक में प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करने की क्षमता थी। चार, प्रोस्टेट और मूत्राशय के स्वास्थ्य में सुधार। कद्दू के बीज सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया BPH के लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे पेशाब में समस्या होती है। BPH वाले 1400 से अधिक पुरुषों में एक साल के अध्ययन में कद्दू के बीज की खपत ने लक्षणों को कम किया और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। ओवरएक्टिव ब्लैडर वाले 45 पुरुषों और महिलाओं में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 10 ग्राम कद्दू के बीज रोजाना बेहतर मूत्र क्रिया को निकालते हैं। पांच, मैग्नीशियम में बहुत अधिक होते हैं। कद्दू के बीज मैग्नीशियम के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से एक हैं, एक खनिज जिसकी अक्सर कई लोगों के आहार में कमी होती है। आपके शरीर में 600 से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का पर्याप्त स्तर निम्न के लिए महत्वपूर्ण है, रक्तचाप को नियंत्रित करना, जैसे कि हृदय रोग के जोखिम को कम करना, स्वस्थ हड्डियों का निर्माण और रखरखाव, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। 6. कद्दू के बीज टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं, हालांकि और अधिक शोध की जरूरत है। 7. कद्दू के बीज नींद में सुधार करने में मदद कर सकता है। अगर आपको सोने में परेशानी होती है तो आप सोने से पहले कद्दू के कुछ बीज खा सकते हैं। वे ट्रिप्टोफैन का एक प्राकृतिक स्रोत हैं, एक एमिनो एसिड जो नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। माना जाता है कि रोजाना लगभग 1 ग्राम ट्रिप्टोफैन का सेवन करने से नींद में सुधार होता है। हालांकि ट्रिप्टोफैन की आवश्यक मात्रा प्राप्त करने के लिए आपको लगभग 7 औंस 200 ग्राम कद्दू के बीज खाने होंगे। इन बीजों में मौजूद जिंक ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदलने में भी मदद कर सकता है, जिसे बाद में मेलाटोनिन में बदल दिया जाता है, जो हार्मोन आपके नींद चक्र को नियंत्रित करता है। कद्दू के बीज आसानी से अपने आहार में नाश्ते या भोजन या बेकिंग में सामग्री के रूप में शामिल किए जा सकते हैं।
इस तरह के और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।